तो भाई साहब ये है नेशनल मार्केट। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आज जा रहा हूँ गांधीनगर, जो मेजेस्टिक की नियर बाई एरिया है, जिसको सैंडलवुड फिल्म इंडस्ट्री का हब भी कहा जाता था, मतलब कहा जाता है अभी भी। अरे लगता है पूरा लोग बैंगलोर शहर छोड़ के जा रहा है यार, सब लोग बैग लेके लेके आज मेजेस्टिक बस स्टॉप में आ रहे हैं। दिवाली के छुट्टी के हफ्ते हैं तो लोग सब अपने अपने गांव जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, जाना भी चाहिए। तो भाई साहब ये है फुट ओवर ब्रिज मेजेस्टिक की, और सामने है KSRTC बस स्टैंड, और उसके आगे सामने आपको वहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी दिखेगा। और यहाँ से ठीक राइट हैंड साइड में मेरा हाथ जिस डायरेक्शन में है, तरफ है सिटी रेलवे स्टेशन, जिसको KSR बोलते हैं। तो मेन रेलवे स्टेशन है इस बैंगलोर शहर की। तो फिलहाल मैं आगे जा रहा हूँ, यहाँ पे आसपास में जो मार्केट है बहुत सारे छोटे बड़े शॉप्स आपको दिख जाएगा रोड साइड में, स्पेशली फ्रूट, वेजिटेबल, क्लॉथ, एक्सेसरी, सब कुछ का। तो देखेंगे दीपावली का टाइम कैसे चल रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे आते रहता हूँ इस बीच में। तो आज आपको दिखाऊंगा कैसे चल रहा है, काफ़ी भीड़ लग रहा है यार। तो चलिए चलते हैं आगे, और आप सबको हैप्पी दिवाली गाइस। शायद ये वीडियो दिवाली का एक दिन बाद या फिर दो दिन बाद आ जाएगा, तो मेरा विशेष एक्सेप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट लेवल का भीड़ दिख रहा है आज। ओ भाई साहब क्या भीड़ है। तो भाई इस जगह पे एकदम मिक्स मार्केट है, बोल सकते हो फ्लावर, फ्रूट्स, एक्सेसरीज, हर एक चीज मिल जाती है, बट थोड़ा संभाल के लेना। और यहाँ पे थोड़ा मोबाइल और पॉकेट वगैरह बसा के चलना इस जगह पे, कुछ इस टाइप की जगह है, पिक पॉकेट वगैरह हो सकता है। तो ये हाँ भाई मस्त मार्केट लगा हुआ है, यहाँ पे सस्ते चीज मिलते हैं यार, कभी भी ये बाजार रहता है, नॉट ओनली संडे, एवरी डे यहाँ पे रहता है, शूज और क्लॉथ, एक्सेसरीज। इस एरिया पे आपको इस टाइप का फिक्स रेट वाली शॉप भी दिख जाएगा, कई सारी है आगे भी। इस रोड के नाम सूबेदार चतम रोड करके दिख रहा है, 200 रुपए का सिम है और 2 GB डेली, कितना दिन के लिए, 28 दिन के लिए, दो महीना, 60 डेज, उसके बाद भाई कैसा रिचार्ज रहेगा, ओके 1 GB पर डे, 189, तो फिर सस्ता यार, 4G है ना, 3G है भाई, 4G है तो ओके। तो आप KYC साथ के साथ करके सिम दे देते हो, ओके आधार ऑथेंटिकेशन। कनाडा फिल्म इंडस्ट्री का हाफ, जिसको सैंडलवुड भी कहते हैं। तो आज मैं घूमने वाला हूँ गांधीनगर की गली में। पहले जो फिल्म और फिल्म रिलेटेड काम होते थे, तो गांधीनगर में ज़्यादातर स्टूडियोज और उसका प्रोडक्शन हाउस, इवन जो फिल्म फ्रेटर्निटी थे, उस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का ऑफिस हुआ करते थे। बट समय के साथ साथ सारी चीज़ यहाँ से शिफ्टिंग होते गए। आपको पता होगा अभी जो ज़्यादातर टीवी शोज का शूटिंग वगैरह होते हैं वो कंटिनपा स्टूडियोज पे होते हैं, और उसके अलावा राजा राजेश्वरी नगर और आगे मैसूर रोड पे भी है। तो इस वजह से शायद गांधीनगर पहले जैसा नहीं रहा, बट अभी भी लोग मानते हैं कि गांधीनगर कोई मतलब ये जो एरिया है इसी को सैंडलवुड बोला जाता है, कहते हैं आनंद राव सर्किल। एक्चुअली इसका आसपास में ही बहुत सारे बसेस बोर्ड करते हैं शाम को या फिर दिन में कभी भी, पुणे, मुंबई, गोवा, उस रूट के ज़्यादातर बसेस इधर ही मिलते हैं। तो दोस्तों ये है रेस कोर्स, मेरे लेफ्ट साइड में जो बाउंड्री है इसी को रेस कोर्स कहते हैं, और मेरे राइट हैंड साइड में यहाँ पे कांग्रेस का मुख्यालय भी है।
बहुत ही अच्छा सब डिजाइन किया हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट करते हुए दिख जाएंगे, कभी भी यहाँ पे कुछ लोग प्रोटेस्ट करते रहता है हमेशा। वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस फॉर प्रोटेस्टर। यहाँ पे इस टाइप का पॉलिश की गाड़ी भी आपको दिख जाएगा और पॉलिश वाला भी इधर ही रहेगा। आसपास में यहाँ पे ये सेंट्रल जेल भी है, एक फ्रीडम पार्क के ऑपोजिट। बाकी ये जगह को काफ़ी अच्छा बनाया है यार। यहाँ पे गांधी जी की भी स्टैचू है। यहाँ पे कुछ ये चीज़ एक बनाया है, देखो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये है बापू का स्टैचू बैठा हुआ। तो भाई यहाँ पे मुझे एक कॉम्प्लेक्स दिख रहा है जिसका नाम है हांसा पिक्सर प्राइवेट लिमिटेड। शायद कोई मूवी का स्टूडियो वगैरह होगा क्योंकि नाम से ऐसा प्रतीत हो रहा है। डॉक्टर राजकुमार इंटरनेशनल होटल है। रिसेप्शन इस तरफ। बाकी ये एरिया काफी साइलेंट है यार। तो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है एक फिल्म रिकॉर्डिंग स्टूडियो, टोटल पोस्ट प्रोडक्शन वर्क एरिया। बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, बहुत ही साइलेंट है, पीसफुल है। दोनों साइड एक्चुअली लोगों का घर नहीं है, ज़्यादातर होटल। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कर्नाटका फिल्म वर्कर्स आर्टिस्ट टेक्नीशियन फेडरेशन का एसोसिएशन का ऑफिस है इधर। गोल्डन रेसिडेंसी, बहुत सारे लोगों के फोटो लगाए हुए हैं। कोई मंदिर है क्या, जैन मंदिर है क्या? तो भाई ये है बैंगलोर कैफे, भेज फर्स्ट मेन रोड पे ही है, गांधीनगर पे। तो इस एरिया में अभी भी आप देख रहे हो काफी सारे पेड़ जो है रोड पे है। ऐसा बहुत कम एरिया है बैंगलोर पे जहाँ पे इतने पुराने पुराने जो ट्रीज है वो है। तो कांतारा फिल्म अभी भी पूरा देश में धूम मचा रहा है। कनाडा फिल्म है, आपको सभी को पता है। इवन जो फॉरेन कंट्रीज है उसमें भी अच्छे खासे चल रहे हैं। अभी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी अच्छा है। तो यहाँ पे हमारा एक सरजी मिला है, वो फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। बड़ी शूट सीधा कांतारा मूवी। ओके, बिकॉज ट्रेडिशनल फिल्म। ट्रेडिशनल फिल्म, यस। ऋषभ शेट्टी शुड गिव द नेशनल अवार्ड। नेशनल अवार्ड, यस। तो भाई साहब आप लोग बताना, जो भी ये वीडियो देख रहे हो कांतारा मूवी के बारे में, आपको मैं ये मतलब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। ऋषभ सर को इस साल मतलब नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए कि नहीं? मुझे लगता है 100% मिलना चाहिए। आप लोग आपका राय वीडियो का कमेंट सेक्शन में। एवरीवन शुड सी द फिल्म इन द मूवी थिएटर ओनली। पुनीत राजकुमार सर के बारे कुछ बोलना चाहते हैं भाई साहब? सर अवरु साउथ इंडिया नंबर वन हीरो। ओके, इज द मार्वेलस हीरो एंड इज द ग्रेट पर्सन। ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಕ್ಟ್ಗಿಂತ ಮೀರಿಸಿ ಇಸ್ ದ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಇಸ್ ದ ಲೆಜೆಂಡ್। ಐ ಲವ್ ಯು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್। ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಲವ್ ಯು, ಲವ್ ಯು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್। हाँ भाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच। इंडिया पाकिस्तान मैच भाई, जीतेगा कौन आज? कौन जीतेगा? पाकिस्तान को। इंडिया 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 इंडिया। एक बॉल में एक चाहिए, एक बॉल में एक चाहिए, एक बॉल में यूट्यूब में। तो भाई साहब इंडिया मैच जीत गया, तो यहाँ पे भाई लोग। तो भाई ये कौन सी बाजार है बताओ, इस बाजार के बारे में थोड़ा सा बताओ। बैंगलोर में कौन सा एरिया में है और यहाँ का स्पेशलिटी बताओ, कौन बताएगा बताओ? ये मेजेस्टिक में, ये बाजार का नाम है बैंकॉक प्लाजा। हाँ, बैंकॉक प्लाजा मेजेस्टिक से थोड़ा आगे है। एक्चुअल एरिया का नाम है गांधी नगर।
गांधीनगर के अंदर ये प्लाजा का नाम क्या बताया आपने? बैंकॉक प्लाजा, पास में बर्मा बाजार, बर्मा बाजार। और यहाँ पे मोबाइल का बनियान से लेकर चड्डी तक भी मिल जाएगा। हाँ देखो, बोल रहा है कि मोबाइल का बनियान से लेकर चड्डी तक, मतलब सागर भी है, सागर। हाँ भाई, तो मोबाइल का सारे एक्सेसरीज, इवन जो पुराने नए फोन है, देखो इधर, सभी मिल जाता है। तो आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। तो आना, मजेदार खरीदारी करना, और भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक दबा के ठोको। सो थैंक यू भाई, सब्सक्राइब करो यार। तो भाई यहाँ पे आईफोन का भी जबरदस्त क्रेज दिख रहा है यार, हर एक शॉप में बहुत सारे आईफोन स्टॉक दिख रहे हैं। सर यहाँ पे आईफोन सस्ते में मिल रहा है क्या? मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे आने के लिए आपको मैं एड्रेस बता दूँ कि जस्ट डी मार्ट के ऑपोजिट ही है, मेजेस्टिक पे आके आराम से यहाँ पे आ सकते हो। ऑपोजिट में देखो डी मार्ट है। तो चलो अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल नेशनल मार्केट पे। तो पीछे देखो ये जो बोर्ड दिख रहा है ना, यही है नेशनल मार्केट। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम है जो बर्मा बाजार और बैंकॉक प्लाजा है, सेम ही है ऑलमोस्ट। मोबाइल के एक्सेसरीज और आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाता है, परफ्यूम वगैरह। चलो एक बार देखते हैं अंदर। तो भाई साहब, ये है नेशनल मार्केट का एंट्रांस। तो चलो एक बार एक चक्कर लगाते हैं इसमें। और इसको आज बहुत अच्छा सजावट किया है यार नेशनल मार्केट को, फ्लावर से। तो देख लो भाई नेशनल मार्केट के नज़ारे। मोबाइल के जैसे कि यहाँ पे एक्सेसरीज देख पा रहे हो, काफी सस्ते में मिलते हैं। भाई लोग बोल रहा था मोबाइल रिपेयर भी कर सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल रिपेयर शॉप है काफी सारे। ए, आप लोग ब्लॉग में आ रहे हो सब लोग, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, देखो मेरा कैमरे में आ रहे हो सब लोग। चलो सर भाई, एंजॉय करो, हैप्पी दिवाली। तो ये अनिफ सर है, नेशनल मार्केट में इनका शॉप है, शॉप नंबर 17 and 18। एंटिक्स दिख रहा है यार, सीडी डीवीडीज वगैरह। एंट्रेंस में काफ़ी अच्छे शॉप्स है यार, इसका नीचे भी है तो मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही शॉप रहता है यहाँ पे। तो भाई शाम के टाइम हो रहा है अभी, तो भाई साहब अभी भी घूम रहा हूँ मैं सुख सागर होटल के आसपास गांधीनगर पे। ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ನನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರ ಬೇವರ್ ತು ಭಾಯಿ ಸಾಬ್ ಫಿಲಾಲ್ ಮೇ ಹೂ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೇ ಯೇ ಗಾಂಧಿನಗರ ಮೇ ಆತಾ ಹೈ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕೆ ಜಿ ರೋಡ್ ಕ್ಯಾಂಪೇಗರಾ ರೋಡ್ ಸಾಮ್ನೆ ದಿಖ ರಹಾ ಹೈ ಆಪ್ಕೋ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಕಿ ಕಪಡೆ ಜ್ಯಾದಾ ದಿಖ್ ರಹೇ ಹೈ ಬಟ್ ಹೈ ಬಹುತ್ ವೆರೈಟಿ ಬಹುತ್ ಹೈ ಐಸಾ ಲಗ್ ರಹಾ ಹೈ फैशन एक्सेसरीज भी शायद होगा इसमें। और मैंने एक भाई साहब से पूछा तो वो बोला कि सैटरडे संडे ज़्यादा भीड़ रहते हैं, और नॉर्मल डे को एज यूजुअल रहते हैं, थोड़ा कम लोग रहते हैं, सैटरडे संडे ज़्यादा लोग रहते हैं इसमें।
पूमा के कपड़े दिख रहे हैं तो भाई मैं एक पूमा की ट्राउजर देख रहा था भैया अंदर के रियली और इसका नीचे भी एक फ्लोर है ऐसा है नीचे वाले फ्लोर ये सिटी सेंटर में है इनका शॉप के नाम क्या है भाई जैन पैराडाइज जैन पैराडाइज कौन सी कपड़े में डील करते हैं मतलब क्या क्या पार्टी वेयर है शर्ट पैंट टी शर्ट अडल्ट की है उनके बच्चों का किड्स का तो मैं इनका शॉप के एक बार नाम दिखा देता हूँ आप लोग आ सकते हो भाई ये सिटी सेंटर में है मेजेस्टिक से ज़्यादा दूर नहीं है हाँ तो भाई साहब घूम रहे हैं अभी भी गांधीनगर के किस सिटी सेंटर में या फिर मेजेस्टिक के सिटी सेंटर बोल सकते हो बट बहुत भारी भारी कपड़े हैं इसमें यार मानना पड़ेगा लोग भी हैं अच्छे खासे ज़्यादातर लोग जो है यंग लोग हैं तो पूरा मैंने एक राउंड लगाया काफी अच्छा मतलब शॉपिंग कर सकते हो आप स्पेशली जो यंग लड़के हैं और बच्चे का